यार कभी आप लोगों ने देखना होगा सीट वाली साइकिल, देख लो कितना मस्त लग रहा है। और इसमें तो है गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, भी अच्छा हूँ। तो गाइस फाइनली मैं सेकंड टाइम पहुँच चुका हूँ नासिक पंचवटी में, अभी बैठा हूँ। जो कि आप नज़ारा देख सकते हो, पीछे घर बहुत भयंकर लग रहा है, वो भी पुराने जमाने जैसा लग रहा है, जैसे पुराने ज़माने का है। हालांकि आगे का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, जो भी नज़ारा है काफ़ी भीड़ भरोसा वाला इलाका इधर। और अभी हम इवनिंग का टाइम है, वो भी शाम हो रही है, और मैं आके बैठा हूँ। देख सकते हो जो देख सकते हो पीछे ये वाली, ये जो काफ़ी भयंकर लग रही है, गोल्डन कलर। तो गाइस आज हम यहीं थोड़ा बहुत टूर कराएंगे, यहाँ का जो भी मेन पॉइंट होंगे उसको कवर करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसमें सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचती रहे। तो गाइस विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसे हम लोग कवर करते हैं। तो ब्लॉग पर बने रहिए गाइस। तो गाइस जो मैंने मंदिर दिखाई दिया वो देख सकते हो पीछे की तरफ है, ये वाली है जो कि, और नज़ारा काफ़ी भयंकर है। ये एक नदी है जो यहाँ पे कुंड टाइप में है, और यहाँ गोदावरी नदी करके कुछ बहती है, जो कि इसका नाम गोदावरी है। और भीड़ भाषा काफ़ी है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे नज़ारा काफ़ी है। अभी इवनिंग का टाइम है और काफ़ी अच्छी अच्छी मंदिरें दिख रही हैं, भीड़ भाषा काफ़ी है। एक बार मैं बैक करके भी आप लोग को दिखाऊँगा, और एक बार मैं बैक इस वाली मंदिर को दिखाता हूँ। काफ़ी ऊपर तक है गाइस, देख सकते हो ये काफ़ी ऊँची है, जैसे ये आइफिल टावर होता है ना उसी तरफ दिख रही है। एक बार मैं अंदर दिखाता हूँ इसमें कौन से देवता है या क्या कैसा है, तब तक बने रहिए गाइस। देख सकते हो कुछ इस तरह का नज़ारा है। आप लोगों ने देखना होगा सीट वाली साइकिल, देख लो कितना मस्त लग रहा है। और इसमें गुलाब वगैरह है, देख सकते हो नंबर का लग रहा है। एक नंबर का लग रहा है यार। और देख सकते हो गाड़ियाँ वगैरह हैं कुछ घूमने वगैरह के लिए, काफ़ी मस्त है यहाँ का। और ये कुछ कुंड है जो कि बच्चे नहा रहे हैं, काफ़ी बड़ा कुंड है ये, लास्ट तक देख सकते हो। यार जो मेरे पास ब्लूटूथ था ना वो काम नहीं कर रहा है, जो कि इसमें से ये है क्योंकि बार बार मेरे को हाथ में पकड़ के मतलब वीडियो ऑन करना पड़ता है। पहले ब्लूटूथ था मेरे पास तो मैं इसे ऑन कर लेता था, इसकी बैटरी ऑन। देख सकते हो पीछे घोड़ा है यार, घोड़ा ही है ना ये, हाँ घोड़ा ही है, देख सकते हो पीछे घोड़ा है, खड़ा है आराम से, किसी का होगा पता नहीं कौन है। और माहौल देख सकते हो आता है, नेचर काफ़ी ज़्यादा लोग बाग है। और जो लोग ना जानते होंगे ये क्या है, ये नासिक पंचवटी करके है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जैसे तीर्थ स्थल है, एक समझ सकते हो आप लोग, जो भी जैसे किसी का अगर अर्थिया वगैरह विसर्जित करने या पुण्य वगैरह करने आते हैं लोग बाग ज़्यादातर यहाँ पे, और भीड़ भरोसा काफ़ी ज़्यादा रहता है। बार बैक कर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो पीछे वाला माहौल, ये पूरा गोदावरी नदी है, और यहाँ पास में भी कुंडी भी है, और काफ़ी मंदिर मंदिर हैं जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ की, देख सकते हो। अभी इवनिंग का टाइम है यार, समय बहुत है, देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ का, काफ़ी अच्छा है। और अभी तो इतना भीड़ नहीं है गाइस, भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, और अभी शाम का टाइम है तो भीड़ नहीं है, और इस समय इतना ज़्यादा भीड़ होती भी नहीं है, टूरिस्ट भी इतने ज़्यादा आते नहीं हैं, आने वाले भी काफ़ी लोग आते रहते हैं, और अभी इतना ज़्यादा वो है नहीं। तो गाइस ब्लॉग पर बने रहिए, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे का नज़ारा। यार चलते हैं यहाँ से नीचे, देख के क्या है ये।
और ये ऊपर से रास्ता जाने के लिए हम लोग इस पार आ जाएंगे, ये देख सकते हो इस तरह का माहौल है कुछ यहाँ का। और बहुत खड़े हैं, मंदिर वगैरह भी है और ये वही सेम कुंड है जो कि सामने भी है। मैंने बताया था ये गोदावरी नदी है और यहाँ पे कुंड के साथ में ये नदी को जोड़ा गया है, जितनी भी नदी है और आज कुंड भी है, काफ़ी अच्छा है। एक ब्लॉग मैंने सीएसएस में डाल दिया है जो कि 8-10 मिनट हुआ, आप लोग देख सकते हो, आगे में प्लेलिस्ट लगा दूँ। यार यही है गोदावरी नदी जो कि पानी की काफ़ी ठंडा है यार, काफ़ी एक नंबर का पानी है। और देख सकते हो माहौल कुछ इस तरह का है, यहाँ से चलने का रास्ता है और ये पुल है ऊपर जाने के लिए। कितना अच्छा दिख रहा है, देख सकते हो पानी निकल रहा है इसमें से और यहीं पे देखते हो हवा भी रहे लोग बाग, काफ़ी भीड़ भरोसा का इलाका है। देख लो सामने से समझ में आ रहा है, एकदम अचंभ है यार पूरा। इधर का व्यू काफ़ी मस्त लग रहा है, लाश लेके वहाँ तक करते चारों तरफ तक, और ये वाला वो घर है ऊपर से। गाइस इस ब्लॉग में इतना प्लान कर रहे, लाइक हिस्टोरिकल प्लेस है तो हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में मेरे को इतना मालूम नहीं है, हालांकि एक कंप्लीट ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है आप लोग देख। और घूमने लायक जगह है, ऐसी नहीं है हिस्टोरिकल प्लेस है, घूमने लायक जगह काफ़ी अच्छा है। और मार्केट भी काफ़ी अच्छा मार्केट लगता है इधर पे, मार्केट वगैरह काफ़ी अच्छा है देख सकते। ये मार्केट ही है पूरा, नाइट समय मार्केट जैसा ही लगता है। और काफ़ी बड़ी बड़ी भगवानों की मूर्तियां हैं यहाँ पे, जैसे कि एक देख सकते हो बगल में है मेरे ये, अब ये देख लो ये वाली, ये बजरंगबली की है, पूजा से कर रहे हैं देख सकते हो बजरंगबली की। और काफ़ी पुरानी पुरानी मंदिरें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सब्जी मंडी या फल फूल वगैरह भी लगता है क्योंकि आप पीछे देख लो मेरे, सब्जी मंडी या फल फूल का भी रहता है, काफ़ी अच्छा है। यहीं से प्रसाद वगैरह जो भी लेते लोग करते हैं। और काफ़ी पुरानी पुरानी मंदिरें हैं, काफ़ी पुरानी पुरानी मंदिरें हैं गाइस यहाँ पे। और यहाँ है जो वीडियो से मैं अभी नीचे आया हूँ, जहाँ की मैं जा रहा हूँ, तो एक गाड़ियाँ पार्किंग होती है और यहाँ पे भी कुछ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एक बार मैं बैक कैमरा से भी दिखाऊँगा कि कुछ ख़रीदने की चीज़ें हैं जो कि हम घर ले जा सकते हैं, कुछ ले खरीद के यहाँ से देख सकते हो, बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो देख सकते हो कुछ इस तरह का नज़ारा। गाइस अभी यहाँ पे है मार्केट जो कि देख सकते हो नीचे मार्केट है और यहीं से निकलने का है रास्ता। और ये कि ये पुरानी मंदिर जो देख सकते हो, काफ़ी मस्त मंदिर है गाइस, काफ़ी पुरानी है देख सकते हो। अभी चलते बैक कैमरा से आप लोग को दिखाते हैं, तब तक बने रहिए ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो है समय, हम तो है जमीन, हम से ना कभी, हम तो हो गए जमा धीरे धीरे थालमा, हम से ना कभी, हम तो हो गए जमा धीरे धीरे थालमा, हम से ना कभी। तो गाइस ज्यादा कुछ था नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैं इसमें पहले से बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ और एक बहुत ब्लॉग मैंने बताया था कि पहले मैं आके यहाँ से पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ क्योंकि मॉर्निंग का पता लगा। और काफ़ी पुरानी जगह समझ में आ रही है। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग में। और क्योंकि इस ब्लॉग का लेंथ कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, सबके लिए बाय। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए,
और यूट्यूब से इस समय काफ़ी अच्छा प्यारा सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट है। ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।